हाथों में तख्ती लेकर राज्य सरकार के नीतियों के विरोध में आज भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में धरना प्रदर्शन करते देखे गए। इस दौरान अलीपुर द्वार के सांसद जॉन बरला एवं उनके समर्थक अपने घरों के बरामदे में सुबह से ही धरना प्रदर्शन पर बैठे नजर आए। इस दौरान संजय चौधरी, संतोष प्रसाद, विक्टर बारला सहित कई कार्यकर्ता एवं उनके घर के सदस्य इसमें शामिल थे। वहीं इसी प्रकार से बिनागुड़ी अंचल में बिनागुड़ी एवं सकुआ झोड़ा भाजपा मंडल कमेटी के अध्यक्ष उमेश यादव के नेतृत्व में गोकुल मिजार, रतन राय एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके राज्य सरकार के नीतियों के विरोध में बैनर लटकाकर प्रदर्शन करते नजर आए। इसी प्रकार से बानरहाट अपने निज निवास पर पुनीता उरांव लकड़ा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पंचायत समिति सदस्य ने भी अपने घर पर पूरे परिवार के साथ आज धरना प्रदर्शन करते नजर आए। आज के धरना के ऊपर बड़े विपाकी से सांसद जॉन बरला ने अपने वक्तव्य रखे। आज यहाँ जो आप बैठे हैं, क्या कारण है इसका? यहाँ बैठने का एक ही कारण है, ये जो कोरोना वायरस लेके जिस प्रकार से केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, ये राशन का है ना, जिस प्रकार से घोटाला हो रहा है और किड सब जितना आ रहा है सब में तो घोटाला ही हो रहा है। सही प्रकार से केंद्र का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। केंद्र बार बार राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए बोल रहा है, ना ही उनके साथ राज्यपाल का कोई संपर्क है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने गरीब मजदूर के लिए राशन दिया जा रहा है, 5 किलो जो राशन अभी तक मजदूर के पास अब नहीं पहुंचा है। आज करीबन एक महीना होने जा रहा है ये बंद लॉकडाउन, आज तक मजदूर के पास ये 5 किलो चावल और दाल 1 किलो अभी तक नहीं पहुंचा है। ये दुर्नीति जो चल रहा है, टीएमसी का कार्यकर्ता जिस प्रकार से ये दुर्नीति में जुक्त है, इसका विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन, और केंद्र से कोई भी सहयोग नहीं ले रही है और हर समय केंद्र को दोष दे रही है, इसी के विरोध में आज ममता सरकार को हम लोग ये धरना प्रदर्शन करके ही हम लोग उनको जवाब दे रहे हैं। ये स्टेट का जो स्थिति है ये देखने के लिए सेंट्रल से जो टीम आया है तो वो तो अभी है, वो कभी कभी आरोप लगा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार इसीलिए आया है कि बार बार केंद्र सरकार यहाँ से रिपोर्ट मांग रही है और रिपोर्ट नहीं पहुँच रही, इसीलिए केंद्र जांच टीम को यहाँ पर भेजा गया कि आप छानबीन करके केंद्र को रिपोर्ट दिया जाए। वो रिपोर्ट करने के लिए आ रहा है लेकिन इनको राज्य सरकार कोई प्रशासनिक हिसाब से आना मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रही है, और उन्होंने खुद तथ्य निकाल के जहाँ जहाँ ये लॉकडाउन पीरियड में लॉकडाउन रहना है लेकिन इस क्षेत्र में लॉकडाउन का एकदम माना ही नहीं है, कोई किसी ने इनको लॉकडाउन का हर जगह उल्लंघन किया है, और राशन में जिस प्रकार से दुर्नीति हो रहा है, और इसीलिए हम लोग आज धरना में बैठे हैं। अच्छा सांसद, ये कोरोना वायरस के मुकाबले में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो जो कदम उठाया गया है ये स्थिति को संभालने के लिए, क्या ये सफिशियंट है? इसके पीछे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, केंद्र सरकार जिस प्रकार से और राज्य का भी आज किसी राज्य के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, केवल पश्चिम बंगाल छोड़ के, और केंद्र सरकार से जो स्टेट सहयोग करके आपस में ये बातचीत करके अपना अपना क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र से नहीं सहयोग लेने के कारण से आज का ये दिन ये दुर्दशा देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल सरकार में। अच्छा सांसद जी, जिस प्रकार से आपको राहत सामग्री बांटने से मना कर रहा, आपको बांटने नहीं दिया जा रहा है, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आपको इस सेवा से वंचित रखा जा रहा, तो क्या कहना है? देखिए, इस समय तो हर एक मनुष्य का खड़ा होना है, इस गरीब मजदूर के पास हमें खड़ा होके
और लोगों को इस समय अपना अन्न से निकाल के गरीब मजदूर को देना चाहिए था, लेकिन आज का दिन में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से हम सब को जिस प्रकार से बंदी बना के रखा है 15 दिन से, आज हम लोग गरीब मजदूर के पास पहुंचने नहीं पा सक रहा है, इसलिए बहुत दुख कष्ट हो रही है हमको। हम सुबह 6 बजे निकलने और 12 बजे घुसने वाला संसद हम लोग काम करते हैं इतना सुबह से लेकर शाम तक, अभी हमको घर में बिठा के हम मजदूर के पास नहीं पहुंच पा रहे, हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। आपके लापता किया जा रहा है, क्या ये आपका इस विषय में क्या आरोप है? देखिए ये तो यही तो बोल रहे हैं, हम लोग संसद होते हुए हम लोग का सब चीज जानकारी होना चाहिए, लेकिन आज तक हमें नहीं निकलने देने के कारण से यही है कि अगर कल का दिन में असली तथ्य अगर निकल जाए तो राज्य सरकार को बहुत सारा आघात पहुंचेगी, इसलिए हमें निकलने नहीं दे रही है। और आज अगर निकल जाते हैं तो ये सारा जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है इस क्षेत्र में, पूरा पश्चिम बंगाल में, ये हमारे क्षेत्र में अलीपुर द्वार में भी ये हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत सारा मृत्यु को दबाया गया है। यही तथ्य निकालने के लिए केंद्र सरकार आज हमारे पास पहुंची है, और ये केंद्र सरकार को हमारा प्रतिनिधि टीम को ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टीम आया हुआ है केंद्र से वो अपना काम कर रहे हैं, जनता के पास पहुंच रहे हैं और सही रिपोर्ट केंद्र के पास भेज रहे हैं।